अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट उस्मान मोहम्मद खान वक्फबोर्ड पहुंचे। वक्फबोर्ड पहुंचकर उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी चेयरमैन मोहम्मद कमरुद्दीन से मुलाकात की और उनको कंप्लेंट दी और साथ ही साथ गजट रिकॉर्ड भी पेश किया। यानी उन्होंने ये बताया कि रिकॉर्ड में ये मस्जिद है, इस तरह से उस्मान मोहम्मद खान ने कहा। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उस्मान मोहम्मद खान कांग्रेस के एक उभरते हुए लीडर हैं। उनकी जुफ्तजू को देखकर और दूसरे लोग को भी सीखना चाहिए कि वो कितनी जुफ्तजू दिखा रहे हैं मस्जिद को फिर से आबाद करने के लिए। दूसरों का भी काम है, हमारा आपका सभी का, सिर्फ लीडर्स का ही नहीं बल्कि हर मुसलमान का ये फरीजा बनता है कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए और जाकर कंप्लेंट दे और किसी भी तरह मस्जिद को फिर से आबाद करे। क्योंकि हाल ही में किशन रेड्डी वहाँ के एक्स एमएलए जो रह चुके, उन्होंने कहा कि 15 साल तक मैं एमएलए रह चुका हूँ, वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। मस्जिद थी लेकिन मस्जिद आबाद नहीं थी क्योंकि वहाँ पे नमाज अदा नहीं की जाती थी। ऐसे कई मस्जिदें हैं शहर हैदराबाद में। अक्सर लोग बाबरी मस्जिद की बात करते हैं लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में कितने ऐसे मस्जिदें हैं जो कि गैर आबाद हैं। अब मिसाल के तौर पर चार मीनार के ऊपर मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं की जाती। नीचे मंदिर है, मंदिर में बराबर पूजा होती है लेकिन चारमीनार के अंदर मस्जिद में नमाज कायम नहीं होती। इसके क्या वजूहत है, इसके जिम्मेदार कौन है? गोलकुंडा फोर्ट में भी एक मस्जिद है, जैसा कि उस्मान मोहम्मद खान ने भी कहा था, अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। गोलकुंडा किला में भी एक मस्जिद है, वो मस्जिद भी गैर आबाद है। आखिरकार इसको आबाद कौन करेंगे? क्योंकि मुसलमानों को खुद को उसकी परवाह नहीं है। फिर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। खैर, हमारा फरीजा बनता है, मेरा, आपका और हम सभी का, कि जितने भी गैर आबाद मस्जिदें हैं उस मस्जिदों को हम आबाद करें। अल्लाह हमें और आपको सुख को नेक तौफीक दें ताकि हम मस्जिदों को आबाद कर सकें। आइए उस्मान मोहम्मद खान की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कंसर्ट को देखिए, आप नाना की खबर में मामू की फातिहा पढ़े तो होता नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको मिलना चाहिए ना। और एक चीज, लैंड एक्विजिशन में मस्जिद आओ, मंदिर आओ, चर्च आओ, चिल्ला आओ, गुरुद्वारा आओ, कुछ भी आओ, उसके बाजू से कट ऑफ करके जाना है यार, है ना। आप डेवलपमेंट करो, कौन नहीं बोल रहा आपको डेवलपमेंट नहीं करने के लिए। मस्जिद एग्जिस्टेंस में नहीं है बोल रहा, वहां पे गजीब है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ही है, गजट निकालती है ना। इसको एक पेपर बोल रहे हैं हमारे सबका एमएलए मरपेट के, ये पेपर कैसा है ना सर? चार मीनार की मस्जिद में नमाज नहीं हो रही तो अब उसको क्या मस्जिद नहीं बोलेंगे आप? गोलकुंडा जिले में मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, सालों से नहीं हो रही, वहां का मुसल्ली लेके आओगे तो कैसी बात है? पीसफुली देखो, वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कुछ फसाद नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वक्फबोर्ड और जीएचएमसी के बीच में, जीएचएमसी गलती से जोड़ दी, उस पर केसेस बुक कराना, वक्फबोर्ड एक्शन लेना। वक्फबोर्ड को इसका कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जी हाँ मिला, हमें कोई बोले नहीं, हम लोग कर रहे हैं काम। मेन चीज वक्फबोर्ड को जुडिशियल पावर होना सर, आप भी इसके लिए तरजीह देना, आप भी आवाज उठाना। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं, नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तियाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891।